नमस्ते बच्चों, आरएसए ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लेसन में किस कौन से लिंग के बारे में पढ़ा था? पोलिंग के बारे में लिंग आपको बताए थे, पोलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेसन में पढ़ा था हमने पोलिंग के बारे में, दूसरे में पढ़ा था हमने स्त्रीलिंग के बारे में। अब जो ये आपकी बुक का है थर्ड लेसन शब्द परिचय, किसके बारे में? नपुंसकलिंग अकारांत के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। तो नपुंसकलिंग में अकारांत में के जो शब्द होते हैं उनके अंत में क्या जुड़ जाता है? म जुड़ जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, नपुंसकलिंग में अकारांत शब्दों के अंत में क्या जुड़ जाता है? मैं, जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक के बाद में हम अगर मैं लगा देते हैं, सपोज आपका ये पुस्तक शब्द है, इसमें हम लास्ट में मैं जोड़ देते हैं, किसमें? नपुंसकलिंग में। पुस्तक शब्द है और इस पुस्तक शब्द के अंत में हम मैं लगा देंगे तो ये किसमें आ जाएगा? नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में अकर्म शब्दों के अंत में हम मैं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आप इसका उच्चारण सीखेंगे, ध्यान से सुनिए, उसके बाद उदार
मजदूर नहीं था, मजदूरी क्या कर रही थी, कुदाल चला रही थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ये चित्र किसका है आपका, विश्राम ग्रह का। विश्राम मतलब आराम, ग्रह मतलब घर, विश्राम घर। इस विश्राम गृह के ऊपर ये चार लाइन है संस्कृत में। पहले हम इसका क्या करेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे, उसके बाद इन शब्द के आधार पर इसके हिंदी में हम अनुवाद समझेंगे। तो पहले इसका उच्चारण करना, तत् किम, तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत् भित्तिकम अस्ति, किम अत् भित्तिकम अस्ति, यह भित्तिकम अत् भित्तिकम न अस्ति, अत् भित्तिकम न अस्ति, तत् किम तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत् भित्तिकम अस्ति, अत् भित्तिकम न अस्ति। अब देखिए शब्द, तत् यह, किम क्या, यह क्या है, तो किसके बारे में, जो विश्राम गृह इस गृह के बारे में पूछ रहे हैं कि यह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, तत् यह विश्राम गृह, विश्राम घर कह सकते हैं या आराम घर भी हम इसको कह सकते हैं। यह विश्राम घर है, विश्राम मतलब आराम, गृह मतलब घर, तो आराम घर भी कह सकते हैं हम इसको, विश्राम घर भी कह सकते हैं। तो यह विश्राम घर है। किम अत् भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, भित्तिकम कहते हैं दीवार को, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है, क्या कह रहे हैं ये दीवार, इस चार की बात हो रही है कि यहाँ क्या यहाँ दीवार है। अत भित्तिकम न अस्ति, अत यहाँ भित्तिकम दीवार न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार न नहीं, अस्ति है, क्या है निर्वाद, यहाँ दीवार नहीं है। वापस आपको समझा देते हैं, तत् किम यह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम